हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम लगाने वाले हैं सेशनल मॉक टेस्ट एसबी क्लर्क मेंस का और इसमें करेंगे क्वांट का सेक्शन नंबर 2। ओके, तो ये क्वांट का होगा सेकंड वाला। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एंड जिस किसी को नहीं पता है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो बैंक का दोस्त, तब भी आपको मिल जाएगा। तो वो जरूर से ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट और करंट की पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो भी करते हैं हम क्वांट का सेक्शन स्टार्ट। तो भाई पहले तो हम इसको तो छोड़ते हैं, बाकी ये क्या है, डीआई इसको कर लेते हैं मार्क, बाद में देखेंगे। कैसलेट है अ पर्सन बोट फोर डिफरेंट आइटम्स इन फ्रॉम ए कंपनी सच दैट ही पेड 600 रुपीज फॉर बीओडी। तो ये भी बाद में देख लेंगे, पहले छोटे क्वेश्चंस करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड वाले पहले कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो इसमें क्या है, 8 मैन गिवन है, 8 मैन और 12 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, दो दो चार और एक पांच अपॉन दो, वही 10 मैन और 10 वुमेन मिल करके 5 दो 10 दो 12 अपॉन 5 और सबकी एफिशिएंसी। ओके ठीक है, तो इसको करते हैं क्योंकि कुछ कट नहीं रहा यहां से। अगर मैं 5 बाहर लेता हूं तो 2 और 2 बचेगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से अगर 2 बाहर लेता हूं तो 6, 4 और 6 हो गया, ये कैंसिल। 20 एम प्लस 6 30 W, 24 एम और 24 W, W उस तरफ, और ये 4 एम W और M की आ जाएगी 2/3। तो ये आ गया टोटल जो हमारा वर्क कितना हुआ, 8 8 या 24 और 12 है बाद में 24, तो 24 दुनिया 48 इंटू 5/2 था तो हो गया 24, 5 और 20 25 220 120 हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज इन विच 4 मैन कितना, 4 थी 12 प्लस 6 दुनिया 12 तो 24 हो गया, 120/24 करेंगे 1/2, 2 इधर 5 आ जाएगा। दूसरा द नंबर ऑफ डेज 1 मैन, 1 हो गया 3 प्लस 15 हुआ 15 30 हो गया, तो 33 हो गया, 120/33 करेंगे 11, 4 0 3 से तो 4 भी नहीं हुआ, तो फर्स्ट वाला ग्रेटर देन हो जाएगा सेकंड से। अ पर्सन डोनेट 20% ऑफ हिज सेविंग टू हिज चैरिटी, 20% ऑफ हिज सेविंग तो 100 मान लेते हैं, तो 20 जो है उसने चैरिटी में दे दी। एंड ही गिव 60% ऑफ द रिमेनिंग सेविंग, रिमेनिंग बचा है 80 और 8 6 48 टू सेविंग टू हिज सिस्टर एंड द रेस्ट इन अ स्कीम दैट प्रोवाइड। तो रेस्ट कितना बच गया, 30 और 32, तो ये लगा दिया इसने स्कीम में, 15 5 75% आफ्टर 5 ईयर ही अर्न रुपीज। ओके, 32x था उसका, 3/4 कितना दिया, 4 8। ओके, ये आ गया 8 8 24 24, ये 2 पर चला जाएगा तो 1 की वैल्यू आ गई 20,000। अमाउंट ऑफ हिज सेविंग, सेविंग की 3 और 1 2, ठीक है, तो ये 20 लाख हो गई सेविंग की। एंड द अमाउंट ही गेव टू हिज सिस्टर, गेव टू हिज सिस्टर इफ ही गेव एडिशनल इतने रुपीस, तो ये कितना बनेगा, 1 2 3 4, 8 2 16, 4 2 8 और 1 9, 11 लाख और एडवांस दिया है, 1 2 3 10 लाख 0000602। सेकेंड वाला बड़ा है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय विजय इन 6 सब्जेक्ट, तो विजय के कितना लेस है, तो 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेस है यानी कि 3x मान लिया 4x, किससे, अजय से। एंड द एवरेज एवरेज मार्क्स संजय इज 15 मोर देन दैट ऑफ विजय,
भाई विजय से संजय के 3x प्लस 15 वो क्या है सम ऑफ द टोटल नंबर टोटल मार्क्स जो कि है टोटल मार्क्स ऑफ ऑल थ्री पर्सन तो सबका सम दे दिया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना 6 3 18 इधर हो गया 6 24 6 3 18 दूनी 36 मान लेते हैं 30 और 30 ये बन जाएगा 60x और 15 6 90 ये हो गया इक्वल्स टू 1290 के इक्वल है 90 से 90 1200 6 1 की वैल्यू आगे 20 सम ऑफ द एवरेज मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर ऑब्टेन बाय अजय एंड विजय अजय और विजय 3 2 6 4 2 8 0 140 आ गया और क्या है डबल द एवरेज मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट संजय संजय की 3 2 6 75 डबल करेंगे तो 150 आ गया तो इसमें भी सेकंड वाला ही बड़ा हो गया सब में सेकंड ही बड़ा हो रहा है आगे देखते हैं द सम ऑफ द स्ट्रीम अपस्ट्रीम ऑफ ए एंड बी सम ऑफ द अपस्ट्रीम यू ए माइनस वी प्लस यू बी माइनस वी दे दिया 30 तो यू ए प्लस यू बी माइनस टू वी इक्वल्स टू 30 एक तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए इज यू ए प्लस वी इक्वल्स टू में 6 मोर देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड बी तो ये उस तरफ जाएगा तो ये कैंसिल यू ए माइनस यू बी आ गया 6 एंड फिर आगे क्या है इफ द फॉलोइंग रिवर की दे दी वी की वैल्यू इसने दे दी 8 इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग विद 8 तो 8 2 16 ये हो गया 16 उस तरफ जाके यू ए प्लस यू बी 6 वो 16 है तो 46 हो गया अब दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल 2 यू ए 6 2 12 5 तो यू ए आ गया 26 अगर ये आ गया ये उस तरफ 6 तो 20 आ जाएगा यू बी ओके फिर क्या है फाइंड द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट ए इन तो भाई 26 तो ये है और 8 वो था 8 और 6 4 और यहाँ से आ गया 3 6 6 24 2 6 18 19 20 ठीक है ये हो गया स्पीड ऑफ ए बोट इज यानी यू 2/1 बी और ये 12 तो ये 24 हो जाएगा व्हाट इज द व्हाट इज अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय द बोट अपस्ट्रीम तो 12 ही होगा 12 × 16 14 का होता है ये और फिर -4 192 तो ये लेस देन आया है तो 1 is greater than 2 ओके a bag of fruits of two types apple and orange what is the total number of fruits in the bag probability of picking an apple from the bag apple from the bag is itna and the number of bag apple is double than the orange apple or orange ye do hai ye ek maan liya तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट से सेकंड क्या है रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन ऑरेंज फ्रॉम द बैग टू द बैग एन एप्पल फ्रॉम द इसमें तो रेशियो गिवन ही नहीं है निकाल ही नहीं सकते वन इज सफिशिएंट व्हाइल द सेकंड इज नॉट सफिशिएंट फिर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बताना है हमें क्या है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर उस पैरामीटर 4a इज 1/11 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच आर हमारा है 4 एच हो गया 14 ये आ गया 2 8 4 2 8 2 8 आठ इधर 8 8 64 4 10 700 4 तो ये हो गया ठीक है यहाँ से गया 6 एंड 4
15 और 1 16, तो ए की वैल्यू आ गई 16। इधर लेंथ इनटू ब्रेथ आ गया 256। अब यहां से तो लेंथ हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, ब्रेथ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो लेंथ और ब्रेथ का इसने दे दिया रेशियो। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द 2 इंटू 3x, दोनों का एड, 1/9 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग हाइट और रेडियस। तो यहां से एक की वैल्यू ये निकल जाएगा, ओनली सेकेंड से हम निकाल सकते हैं। देखते हैं व्हाट इज द एज ऑफ नमिता, एज ऑफ नमिता हमें बताना, प्रेजेंट एज ऑफ नमिता इज 60% ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर नमिता विल बी इतना। तो यहां से तो हम निकाल सकते हैं पहले से, ठीक है, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ, बिना रेशियो के कुछ तो हम निकाल नहीं सकते इसका, तो 1 इज सफिशियंट, 2 इज नॉट सफिशियंट। आगे देखते हैं स्पीड ऑफ द बोट ए एंड बी, ए और बी का स्पीड दे दिया, यानी कि यू की वैल्यू दे दी सीधी सी है, पी एंड क्यू, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज आर, वी दे दिया आर, स्पीड ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए यानी कि पी प्लस क्यू इज सी और पी प्लस आर आएगा, और ए और बी का डी दे रखा है ये, यहाँ से क्यू प्लस आर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, इनका हमें डिफरेंस निकालना है कि मीडियम और मीन, भाई ये नहीं पता मुझे, इसको स्किप कर दें। तो इसमें क्या हो रहा है, 1.2 हो रहा, और यहाँ से 12.6 × 1.2 सही है, 1.2 चल रहा है, तो यहाँ पर भी 1.2 ही होगा इसका, 8 × 2 = 16, 1 × 6 = 12, 13, 1 × 3 = 6, 02, 86301, 6 × 6 = 12, 13, 4 × 2 = 124, कुछ गलती कर दी क्या, 3 × 6 = 8 हो गया, और 8 × 2 = 16, 1 × 6 = 12, 13, 1 × 6 = 7 आना चाहिए इधर, ठीक है, फिर यहाँ आ गया 7 × 14 = 4, 124.416, 124 सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस जो है इधर 29 प्लस में 15 में से 5 और 2 = 7, और यहाँ बच गया 9, तो है 6, फिर प्लस 14 में से 5 गया तो 9, और इधर बचा 2 और 1, फिर प्लस 1 2 2, अब ये क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब होता है ये, तो या फिर 5 8 फिर 11, नहीं 3 का क्यूब प्लस 2 4 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 4, 6 का क्यूब प्लस 5 होगा, तो 7 का क्यूब होता है 3 4 3, प्लस में 6 करेंगे, 6 और 3 = 9 गया, 4 5 5 4 5 10 804 आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें डिफरेंस ही लगाना पड़ेगा, तो 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 88 प्लस हुआ तो यहाँ पर 4 11 और 1 12, फिर प्लस 6 6 और 1, फिर प्लस 4 1, और 7 में से 4 = 3, तो इधर 24 26 36 हो गया, दूसरा है 2
चार, फिर इधर हुआ 14 में से 8, 14। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या इधर? अच्छा 0 इधर 2 आएगा ना, तो इधर से 4 2 6, इधर भी 6, अगला भी 6 ही होना चाहिए, तो 454, 4 8, 5 और 1 6 2, 700, 968। अब इसमें माइनस हो रहा है, एक सेकेंड, प्लस हुआ इधर, प्लस 9 माइनस 4 6, फिर इधर प्लस 24 25, माइनस 4 3 6 5 3, ये मैंने गलती लिख दिया शायद, 5 और फिर इधर क्या हुआ है, माइनस हुआ है ना, तो ये माइनस हो करके इसमें माइनस होगा, तो 19 15 और 16, 216 आ गया। 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, यानी कि 49, वही होगा प्लस, प्लस यानी कि इसमें से माइनस कर देते हैं, 5 और 1 6, 12 में से 22 तो 18, 186 माइनस का, इसमें माइनस हो रही है चीजें, तो माइनस 48, फिर से माइनस, तो ऊपर वाला 91, 13, 4104, फिर माइनस 6, वो यहाँ से 12, फिर माइनस 0 5 एंड 1, तो इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, 20, अगले का 2 और 2 22, अगले का 24, फिर अगले का 26 होना चाहिए, तो 176, 2633, और जो हो रहे हैं इसमें से माइनस हमें करना है, 6 हो गया तो 7, 12 5, 25 में से 24 आ गया, 2457 के। तो ये क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे दिया है, लाइन का द फूड ऑर्डर ऑन द जोमेटो इन चेन्नई इन द 5 इन 5 डे ऑफ ए वीक, ठीक है, जिनमें से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इतना हो गया, और ये क्या दे रखा है इन लोगों ने, परसेंटेज फॉलोइंग टेबल द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुली डिलीवर फूड बाय जोमेटो ऑन 5 डिफरेंट डेज। कैसे पता चलेगा अभी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय द फूड पेंडा, फूड पेंडा है ये वाला, ऑन दीज 5 डेज, पहला हम मान लेते 600 है, 550, 450, 300, अगला है 400। अब इसमें से फूड पेंडा ये है, तो 600 का 3 1/4 हमें करना है, तो 150 तो ये हो गया। अब 550 का अगर 18%, आई थिंक यार ये तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, फिर देख लेते हैं, 9 5 11, तो 99 ये हो गया, 20%, तो 90 ये हो जाएगा, 2%, 3 2 6, तो 96 कर देते हैं, 22%, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है, तो ये होगा 88। अब यहाँ से हम देखते हैं, 9 14 23, 2 9 3 27, 28 28 और 5 5 13, 3 4 3 3 है क्या, मतलब ऐसे ही होगा, ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व, क्यों ही टेबल बनानी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर बाय द जोमेटो एंड द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसफुल डिलीवर, दोनों का ही एवरेज बाय द स्विगी ऑन 5 डेज, बनाना ही पड़ेगा भाई ये तो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो गया, और ये हो गया फ्राइडे, ठीक है।
फर्स्ट कॉलम में बना लेते हैं जोमेटो, और इधर उसका डिलीवरी कितना हुआ है, सेकंड में स्विगी, इधर इसकी डिलीवरी, देन लास्ट बचता है फूड पेंडा, और इधर इसकी डिलीवरी होगी। ठीक है, तो ये था 600, 550, 300, 400, और अभी यहाँ से 150 माइनस किया तो 450, 550 में से 450, 450 में से 451। ठीक है, अब 96 इसमें से माइनस करना है, इधर आया 4, 4 और 1 5, 354। दूसरा क्या है हमारा, एक सेकेंड यार, गलती कर दी ना मैंने, आई थिंक गलती कर दी है मैंने, इधर था सिर्फ 80%, 80 का आना था 90, 60 आ जाएगा, 360। दूसरा था 2%, सिर्फ 6 ही तो जाएगा इसका, 294 आ जाएगा। अगला लास्ट वाला तो ये रहेगा, तो 400 में से 312 आ जाएगा ये। अब जोमेटो का लिख लेते हैं, जोमेटो का 300, 450, 500, 600, 550। ठीक है, देन फिर यहाँ से जो हुआ 80%, 8 या 24, फिर 80 तो कितना हो जाएगा, 4 5 इंटू 8, 90, 9 चौक 36, यहाँ पर 85, तो 85 इंटू 5, 5 5 25 का 5 2, 8 5 40 41 42, 425, 95 इंटू 6, 6 5 30 3, 9 6 54, 7 5 7 0, 7 5 35, 3 7 35, 36 37 38। तो ये हो गया दूसरा, लास्ट हमारा क्या बचता है, स्विगी, स्विगी का है 400, 350, 650, और यहाँ पर 250, फिर 600, 9 चौक 36 हो गया, 6 35 19 70, 7 21, 7 7 5 35, 3 7 6 42, और 45, 8 25 चौके 100, 25 265, 6 5 30 3, 36 37 38 39 हो गया, 6 6 36 और 3 39। ठीक है, तो अब इनका हमें पूरा निकालना है, तो 5 5 10, 6 6 10, 20 और 8 28, 2 2 आ गया, 2 2 4, 4 8, 8 और 8 और 6 14, 15 16 17 18 19, एक तो गई। दूसरा हमारे पास क्या है, 5 6 6 2 12, 12 और 6 21, तो 2 2 यहाँ पे, 3 2 5, 5 और 8 और 5 13, 14 15 और 1 16। तो इसका जब हम डिफरेंस ले लेते हैं सीधा सा, 5 आ गया, 7 में से गया 6, इधर आएगा 3 डिवाइड बाय 5, तो 3 3 6 और 1 7, 73 इसका आएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अनसक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर बाय द जोमेटो ऑन मंडे को कितना है, 60, ट्यूसडे जो कि कितना है हमारे पास, इसको देख लेते हैं, ट्यूसडे है भाई 90, एंड थर्सडे 30, तो 9 2 18, 180 हो गया, 180 यहाँ से टू द स्विगी मंडे एंड ट्यूजडे, स्विगी का है 4, यहाँ पर 041, तो 180 ही आ गया, 1:1। द नंबर ऑफ सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर बाय फूड पैंडा ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, तो यहाँ से 0 1 8 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द
जोमैटो ऑन मंडे एंड ट्यूजडे, जोमैटो मंडे एंड ट्यूजडे 3 दिन, 600, 210, 0 ये कट ही जाएगा, 702, 35। द नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर ऑन जोमैटो ऑन सैटरडे, ठीक है, 20% मोर देन द जोमैटो ऑन थर्सडे। तो इसका 20% 6 दुनी 12, 720 हो गया सैटरडे को। 90% ऑफ टोटल ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर, 90 इसका 72 into 90, 9 दुनी 18, 1 64 आ जाएगा। वट इज अनसक्सेसफुली ऑर्डर मंडे टू सैटरडे के, एवरेज बताना है मम्मी। तो भैया एवरेज तो कैसे 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 1900 2000 हो गया, 2700 तो ये हो गया, ठीक है यहीं से निकालेंगे अब हम। ओके एक सेकेंड, 2700 मैंने कैसे कर दिया ऐसे, ये तो डिलीवरी वाला था, 8 8 4 12, वो यहाँ से 20 26 आ गया, ठीक है। वैसे टोटल कितना हो रहा है ये, यहाँ से 9000 हो गया, 1000 और फिर 11 11 1400 हो गया, तो 0042 720 ये हो गया, 02 300, ठीक है 31 20, ये आया 2 9 4 डिवाइड बाई 5 5 नहीं 6, और 7 8 82। ओके तो फिर है भाई माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम क्या 12 6 नहीं बनेगा, 18 4 72, फिर प्लस माइनस, और इधर क्या बना सकते हैं हम, 14 4 56, 14 फिर 4, ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, वाई इज ग्रेटर देन, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 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 380, तो 19 into 2 5 into 2, तो यहां से क्या बनाए भाई, दोनों को ही प्लस का बनाना है, और इसने तो ये क्या किया है, काफी कम दे दिया यार, 19 into 2, ओके तो 20 और 19 आ जाएगा, 20 and 19 आ गया। दूसरा क्या है, 266, 2 पर गया 13 3, अब ये कितने पर जाएगा, 3 3 6 और 1 7, 11 पर भी नहीं जा रहा ये, 11 पर तो जाएगा नहीं, 12 13 13 पे भी नहीं जाएगा, 7 7 1 7 पर जाएगा, 7 1 7, ठीक है बचा कितना, 3 3 6 और 19, तो 7 दूनी 14 19 19 और 14 बन गया ये, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y होगा इसका। दूसरा माइनस प्लस प्लस प्लस, 12 8 96 हो गया, 108 का 12 निम्न होता है 12, लेकिन ये बनेगा नहीं, 4 3 3 और 3 3 3 9 9 दुनी 18 और 3 दुनी 6 बन गया 18 और 6, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन यानी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, फिर प्लस प्लस माइनस फिर प्लस, 266 का ये बना ही था, 19 और 7 दुनी 14, अब 114 का बनाना पड़ेगा, 114, 2 पर गया 5 7 19 थे या 3 19 और 6 ग्रेटर देन, तो नहीं ये कुछ भी नहीं बनेगा, नेक्स्ट प्लस प्लस, वो यहाँ से 13 7 तो नहीं, 15 6 90, 15 और 6, यहाँ से माइनस फिर प्लस, वो ये कितना बनेगा, 19 19 तो नहीं, 4 4 2 5 और 2 5 20 20 और 4 बन गया, 20 और 4, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, इसको मार्क कर लेते हैं, ये भी
बाकी और कोई छोटे क्वेश्चंस ढूंढते हैं अभी। ओके, ये कैसे दिया गया है? मंथली इनकम इन रुपीज दे रखा है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे दिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रंस इतना परसेंट, एक्सपेंडिचर ऑफ द इतना परसेंट ऑफ, तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन लास्ट में देखते हैं इसको। कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है मुझे तो काफ़ी इसमें। एक अब ये तो ये वाला, ये भी सही लग रही है मुझे। इससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कैसी है। द शॉपकीपर बोट फोर आइटम्स ए बी सी डी फ्रॉम ईच फ्रॉम ए कंपनी सच दैट ही पेड इतना रुपीज फॉर आइटम बी एंड डी टूगेदर। ओके, ही मार्क्ड द प्राइस आइटम ये, ठीक है तो मार्क प्राइस के। तो एक हम सी पी ले लेते हैं, सी पी एस पी, फिर आ गया एम पी। ए बी सी ओ डी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो सी पी इसने स्टार्टिंग में दिया है बी प्लस डी का 600। फिर ही मार्क द आइटम ए 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मान लेते 10x है तो ये 14x हो जाएगा। इन विच द मार्क प्राइस ऑफ ए इज 50 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, सी के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो 14x माइनस 50 कर देते हैं इसको। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 4:3, सेलिंग प्राइस ए और बी 4 और 3 हो गया, 4 और 3। ही मार्क्ड आइटम बी 20 रुपीज अबोव इट्स सी पी 20% अबोव। तो बी का लिख लेते हैं इधर, क्या बोला था इधर, ही मार्क्ड आइटम बी 20 रुपीज अबोव इट्स कॉस्ट प्राइस यानी वाई, तो वाई प्लस 20 हो गया बी का, 23% डिस्काउंट ले लेते हैं, 23% डिस्काउंट गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस वाइल सेलिंग इट। मार्क प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू द, यानी कि ये मार्क प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, सी की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, माइनस अगर ये है तो इसमें से माइनस 20 कर देंगे तो इसका ये आ जाएगा 14x माइनस 70 हो जाएगा ये, और इसी पर इसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। P is equals to the sum of the mark price of A और B, A और B का mark price इन दोनों का sum ये है ना, the sum of the mark price of A and B 650 तो मिल गया हमें, 14 × 2 = 28 हो गया, 28x 50 इधर का उस तरफ जाएगा तो 700 हो गया, 7 × 4 = 7 एक्स की वैल्यू होगी 25, तो ये आ गया हमारा 250। और इधर कितना आएगा, 25 × 100 = 10, 25 × 25 = 35 आ गया, तो 35 इसमें से 50 माइनस करेंगे 300 आ गया, अगर 70 करेंगे तो 280 आ जाएगा, और यही इतना ही ये है 300। और ये सी पी जो कि दिया था बी और डी का, बी और डी का, तो ये 320 आ गया, बाकी ये रह गए मेरे, ये कैसे निकलेंगे। अच्छा, इस पे था हमारा 23% का डिस्काउंट, तो 23 का कितना हो जाएगा, तो 23 का 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, ठीक है, 30 × 31 = 231 आ गया ये। अब 231 जो है 3 के बराबर है, 4 की वैल्यू में निकालनी है, 7 × 21 फिर 7 × 21 7 × 28 2 × 7 = 29 308 हमारा आ गया ये, ठीक है। कहाँ था आइटम डी सोल्ड 5% प्रॉफिट, इसका 5% निकाला है, 320 का 5% 5 × 2 = 16, तो 6 × 3 = 3 × 1 = 4, एक सेकेंड सॉरी 3 आएगा, 16 ही तो हुआ है सिर्फ, 336 हो गई ये। एंड 20% डिस्काउंट गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस, तो यानी कि 336 जो है 80 की वैल्यू 100 की में निकालनी है, तो 5 × 4 = 8 8 × 32 = 4 = 16 5 × 20 = 2
45, 41, 42 ही आ गया। फिर मार्क प्राइस ऑफ आइटम सी इज 40 लेस, मार्क प्राइस ऑफ आइटम सी इज 40 लेस है ना, मार्क प्राइस ऑफ तो डी इससे 40 लेस है तो 380 हो जाएगा। द शॉपकीपर रिसीव प्रॉफिट ऑफ 7.8 ऑन सेलिंग आइटम सी, तो 307.8 परसेंटेज क्योंकि ये गिवन नहीं है, रुपीज है डायरेक्ट, शॉपकीपर रिसीव इतना प्रॉफिट, ये थोड़ा सा डाउट में लग रहा है मुझे, बाकी देखते हैं। प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आइटम डी इज अप्रोक्सीमेटली, प्रॉफिट जो इसका था 16, अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द प्रॉफिट अर्न सेलिंग ए, तो ए का हमारा कितना है 50, 58 अप्रोक्सीमेट बताना, तो 8, 29, तो 800/29 आ गया, 2 पर ही जाएगा, 2 × 2 = 18, 2 × 2 = 4 = 5, बचा कितना 20, 21, 22, 22 ये बचिया 0, तो 29 7 पर जाना चाहिए, 27 कुछ आएगा, 28। व्हाट इज द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑल ऑफ देम टुगेदर 0.8 में, यानी कि मेरा ही सही है, तो यहाँ से 8 और 1 = 9, 3, तो 5.8 और 7 और 6 × 2 = 12, 13, 1 आ गया, 3 × 4 = 6.8, 12, 4 × 8 = 11, 82.8। वट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, सी पी ऑफ बी 300 एंड द मार्क प्राइस ऑफ 420 ही हो गया, तो 10, 1 और 4, 5 और 7। वट इज वट परसेंट डिस्काउंट is given on the mark price of A, discount कितना मिला भाई 42 का, 350 पर, 7, 6, 7, 5, 5 आ गया, 2, 6, 2 = 12%। What is the profit, total profit or loss incurred on selling B and D to B or C together? B or C का 0.85 हो गई, 0.8, 7 और 1 = 8, 3, 5, तो यहाँ से लॉस ही हुआ इसका 0.2 का, तो यहाँ पर आ गया 2, 7 में से 4, 42.2 का लॉस हुआ है, कितने से 2, 1, 1, 29, तो ये 7 कुछ आएगा, 7.1 आ गया, 7 = 21, तो 7.1 यही आना चाहिए आई थिंक, 21, 7, 9, 6, 7, 14, तो यहाँ से 20 आ गया, वैसे तो कुछ अलग ही आ रहा है मेरा तो 40, 42, तो ये तो यहाँ से 300, 338 और 500 CA, ये हो गया, फिर यहाँ से 211 हो गया, 0 से 0, तो 29 आई थिंक होना तो यही चाहिए, 0.1 थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, क्योंकि 7 और 1 = 8 है ना, 0.1 तो गलत भी हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आगे और देखते हैं क्या है। ये वाली डीआई देख लेते हैं, बार ग्राफ शोज़ दैट बस रिप्रेजेंट द डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ दिस, ठीक है, तो 2000 इसमें इसका इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, वैसे था कितना एवरेज प्राइस ऑफ आलमंड कैशू नट्स वॉलनट्स कॉफी टुगेदर इतने रुपीज पर केजी, ओके, एंड प्राइस ऑफ एवरेज है ये 4 और ये है 4, 90, 0, 5 = 20, 2, 4, 17, 1800 आ गया टोटल, जिनमें से
कैश होगा दे दिया 360, 360 इसमें से माइनस करेंगे 04, और 7 4 ये आ गया, और 4 और 5 4 9, 9 एकम 9, 9 6 54, 16। अब इनका लिख लेते हैं, ऑलमंड का क्या है, 4 है, तो 16 चौक 64। कॉफी का 2 16 2 32, फिर बच गया वॉलनट्स, वॉलनट्स लास्ट है 16 3 48, ही हो गया। ठीक है, फिर बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, रिस्पेक्ट एवरेज प्राइस ऑफ द वॉलनट्स इन 11 और 13। वॉलनट्स का ये वाला है, तो ये क्या परसेंटेज में है क्या, डिक्रीज और इन रुपीज। ओके, तो वॉलनट्स 2 4 और 2 6 26 कम हुआ है, -26 2011 में, तो 13 में, एक सेकेंड, ये तो प्लस वाला है ना, बड़ा है इतना, 6 0 506 हो गया, फिर 480 में से 2013 में हुआ ये कम, 30 450 रह गया, 6 5 और 9, एक तो ये आ गया। फिर किसके साथ बताना, एवरेज प्राइस ऑफ कॉफी इन द सेम ईयर, कॉफी 320 है जो कि माइनस हुआ है 22, पहला 22 माइनस हुआ है, फिर 13 में क्या हुआ इसका, प्लस हुआ है 28, तो ओवरऑल प्लस 6 ही हुआ है, 6 प्लस करना है 16 32 64, तो ये बनेगा 6 4 6, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बनेगा 4, तो 7 2 14 8, 3 4 3 2 और 3, 3 3 6 7 8, अभी कितने पर कटेगा, अभी कट करना भी मुसीबत ही है, यहाँ पर 3, तो भैया कितने पर जाना चाहिए, 7 42 42 58, नहीं जाएगा 7 पर भी, यहाँ पर 11 पर भी नहीं जाएगा, 7 8 9 गया बाद 13 13 39, 13 पर भी नहीं जा रहा ये, फिर 12 13 14 पर भी नहीं जाएगा, 15 8 ये 15 पर भी, 15 पे भी नहीं जाएगा, 16 16 48 होता, 16 पर भी नहीं जाएगा, 17 17 34 34 गया, तो 3 और 1 8, अब 17 17 पर भी नहीं जाएगा, फिर 18 पे भी नहीं जाएगा, 19 देख लेते हैं, 19 2 2 पर गया, फिर 7 8 98, ये भी नहीं जा रहा, तो ये समझ में नहीं आया मुझे, तो द कंपनी सोल 500 kg ऑलमंड, ये तो दे दिए 500 kg, एंड द कैशू जो है 820, 450 वॉलनट, 700 कॉफी, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ 2010 में, इनका जो प्राइस है वो बढ़ा है 22 से, 283, ये भी वही कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो गई इसकी भी, एक सेकेंड, ये 22 तो इसका बढ़ा है ना, कैशू का क्या है, कैशू नट्स जो कि माइनस हुआ है 18, तो 18 442 हो गया, दूसरा वॉलनट जो कि 24 माइनस हुआ है 6 5 456, फिर जो कि कॉफी का 40 बढ़ गया इसका,
0-0-0 सात 42 चार 7 21 पांच दो आ गया, इधर से 0-0 पांच दूनी 10 एक 6 पंजे 30 31 तीन और 6 पंजे 30 33। ठीक है भाई नहीं हो पाएगा, ये काफी ज्यादा कैलकुलेशन होगी ना, गलती कर दी मैंने, ये उठानी नहीं चाहिए थी ये वाली डीआई, पता होता इतनी कैलकुलेशन है इससे अच्छा मैं कोई अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही कर लेता फिर ये बल्कि इजीली हो जाती है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, सीधा सा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व से पाई आर एल हो गया जिसका ये दे रखा था। दो गलत हो गए, कौन से गलत हो गए भाई दो, एक मेरा हुआ है ये, इसमें क्या गलत हो गया। रिस्पेक्ट टू कोस प्राइस ऑफ बी सी पी ओ बी ये रहा द मार्क प्राइस ऑफ डी, मार्क प्राइस के तो मैंने ये ले लिया था शायद से 300 लिया था ना, रेशियो गलत ले लिया था मैंने, कहाँ है ये रहा 300 ले लिया था मैंने, ध्यान से नहीं देखा कि सी पी पूछा है इसका, कि एक तो ये गलत हो गया, दूसरा वो डाटा वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशियंट आना था इसका। ठीक है तो जो स्कोर मेरा बना है कहाँ गया ये रहा, क्वेश्चन मेरे हुए थे 27 दो गलत हो गए, 24.5 स्कोर रहा है ओके, जो परसेंटाइल है 98 है। एंड आप लोगों ने अगर ये मॉक टेस्ट लगाए हैं तो प्लीज़ अपना स्कोर जरूर से शेयर करना कमेंट सेक्शन में, बताना आपको लेवल कैसा लगा इस मॉक का, क्योंकि मुझे डीआई वगैरह काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव लगी, शुक्र है मैंने वो नहीं की लेकिन लास्ट में एक डीआई उठा ली क्योंकि लास्ट का टाइम ले गया मेरा और एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा और भी हो जाते क्वेश्चन अर्थमेटिक के निकल जाते, दो तीन तो हो ही जाते कम से कम, चलो कोई नहीं जैसा भी है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।